चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने पहली बार यूक्रेन में जंग लड़ रहे अपने लड़ाकों की संख्या बता दी। जिस दिन से युद्ध छिड़ा है, कादिरव के लड़ाके तभी से जंग के मैदान में डटे हैं और उन्होंने यूक्रेन की सेना के छक्के छुड़ाने में रूसी फौज की बड़े पैमाने पर मदद भी की। तभी तो पुतिन के वफादार रमजान कादिरव और चेचन लड़ाकों की बात आते ही यूक्रेन की सेना खौफ से भर जाती। लेकिन जंग के मैदान में जेलेंस्की की सेना को नाकों चने चबवाने वाले चेचन लड़ाकों की संख्या पर अब तक सस्पेंस बरकरार था, जिससे रमजान कादिरव ने पर्दा उठा दिया और अपने टेलीग्राम पेज के जरिए बताया कि 20,000 चेचन लड़ाके युद्ध के मैदान में अब तक अपना दम दिखा चुके हैं। साथ ही कादिरव ने यह भी बताया कि फिलहाल 9,000 चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना से दो दो हाथ कर रहे हैं, मतलब अब भी चेचन लड़ाके यूक्रेन में मोर्चे पर डटे हैं और वो अब जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं। पूरे यूक्रेन को रूस का बताने वाले कादिरव वहां कहर बरपा देना चाहते हैं, यानी आने वाले वक्त में यूक्रेन को चेचन लड़ाकों का खतरनाक हमला झेलना पड़ सकता है। और कहा जा रहा है कि उस हमले का अंजाम ऐसा होगा जैसा जेलेंस्की ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि बीते 8 महीनों में अब तक कई बार चेचन लड़ाके ये दिखा चुके हैं कि उन्हें हल्के में लेना यूक्रेन की बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। कादिरव के लड़ाकों ने मारियोपोल में भी दिखा दिया था कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वही यूक्रेन का एक ऐसा शहर है जहां जेलेंस्की की फौज को सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। जंग के शुरू के महीनों में ही चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर वहां कहर ढा दिया था। हालांकि कुछ रोज पहले यूक्रेन ने खेरसोन में 40 चेचन लड़ाके मार गिराए थे और कादिरव ने भी उनके मारे जाने की बात कबूल की थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कादिरव हार मानकर बैठ गए हैं। जंग में चेचन लड़ाकों की संख्या बताने के साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चेचन लड़ाकों ने अब तक अपने हर मिशन को पूरा करके ही दम लिया है और वो आगे भी रुकने वाले नहीं है। इसलिए कादिरव ने यह साफ कहा कि उन्होंने अपने कमांडरों को निर्देश दिया है कि चेचनिया के लोग अगर उनकी फौज में शामिल होना चाहें तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को जंग के मैदान में उतारा जा सके। वैसे भी कादिरव के बारे में कहा जाता है कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके एक इशारे पर चेचन लड़ाके कत्लेआम मचा सकते हैं। बेरहम चेचन लड़ाकों से दया की उम्मीद नहीं की जाती। ऐसा कहा जाता है कि उनके जंग में उतरते ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं और इसके पीछे की वजह है उनकी सख्त ट्रेनिंग और अपने कमांडर कादिरव के लिए उनकी वफादारी, जिनका आदेश मिलते ही वो कहीं भी तबाही मचाने के लिए टूट पड़ते हैं। इजराइल से चल रही ताजा लड़ाई के बीच ईरान की बहुत बड़ी साजिश का भंडाफोड़ होने का दावा हुआ। खबर है कि इजराइल से दुश्मनी निकालने के लिए ईरान यूरोप के देश जॉर्जिया में इजराइल के नागरिकों को मौत के घाट उतारने की तैयारी में था। यह भी दावा किया गया कि इस प्लान में ईरान अकेला नहीं था, उसके साथ एक जोड़ीदार भी शामिल था। वो जोड़ीदार था पाकिस्तान। मतलब ईरान इजराइल को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाने की कोशिश में था, लेकिन जॉर्जिया की ही सिक्योरिटी एजेंसी ने ईरान के प्लान पर पानी फेर दिया। उसने पाकिस्तान के उस नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जिसे एक इजरायली नागरिक को मारने के लिए खासतौर पर जॉर्जिया भेजा गया था। जांच हुई तो पता चला कि पाकिस्तान के उस शख्स को ईरान के एक ऑपरेटिव से हत्या का ऑर्डर मिला था। ईरान का तो इजराइल से 36 का आंकड़ा है ही। पाकिस्तान भी इजराइल को देश नहीं मानता और जॉर्जिया में इजराइल के नागरिक घूमने फिरने आते रहते हैं। ऐसे में दावा किया गया कि ईरान ने जॉर्जिया में एक पाकिस्तानी के हाथों इजराइल के नागरिक की हत्या का प्लान बनाया ताकि इजराइल से उसका बदला भी पूरा हो जाए और किसी को ईरान पर शक तक न हो।